एक बार धन धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज दिल्ली खूनी नाले विराजमान सन। बेअंत संगत दूरों नेड़ों आ के लाभ प्राप्त करती है। एक सरदार अवतार सिंह जो कि परिवार समेत बाबा जी की संगत करया करते सन। सरदार अवतार सिंह जी के वड्डे भाई सन कवि सरदार मधसूदन सिंह जी, जो कि बहुत ही तेज तरार अते हाजर जवाब सन, अते संता साधा नूं टिच समझदे सन, अते कहंदे सन कि इह साध सारे पखंडी हन क्योंकि इह कामरेडी सोच दे मालक सन। एक दिन सरदार अवतार सिंह ने सरदार मधसूदन सिंह नूं आखिया कि भाई तू अकालियां विच रह के संतां दी खिलाफी तां कीती होवेगी, पर तैनू हजे तक कोई असली संत नहीं मिलिया। अगों कवि जी ने आखिया कोई असली हू तां मिलू, पर सरदार अवतार सिंह ने प्रेरणा कीती, पर अगों कवि जी मखौल कर छड़दा सी। जे किसी ने कहना कि संत टोआ पुट के बैठते हैं तो कवि जी ने कहना हाँ कोई गुप्त पदार्थ टोए विच दबिया होवेगा। जे किसी ने कहना संत तो बड़े त्यागी हैं तो अगों कहना सिखी सेवकी ही तो संतां दा बैंक है, संत नूं पखंड करना आना चाहिदा है, दुनिया नूं झट लुट लैंदा है। जिहड़ी भी गल करनी अगों पुठा ही जवाब देना अते सब नूं निर उत्तर कर देना। पर एक दिन आया ते भाग जागया, क्योंकि कोई भाग लै के आउंदा है तां ओह नाम जपदा है, ते किसे दे भाग भागवानां नाल मिल के बन जांदे हन ते फिर ओह वी नाम जपदा है, ते कोई किसे दे सदके जपदा है, अते कई वारी कोई कमाई वाला महापुरश संसार विच आउंदा है तां कईआं दीआं पुठियां रेखां सिद्धियां कर दिंदा है। क्योंकि जिस वेले महापुरख नाम जपदे हन तां नाल पूंजी देंदे हन, संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का तोखा। जे पूंजी मिल जाए तो जपण का स्वाद ही वखरा है, जप जप के भी तो पूंजी ही लैनी है, ते जे पूंजी पहला मिल जाए तो धन भाग, पर मोहर तो महापुरखां दी ही लगेगी। अज पूर्णमाशी का दिन आ गया, पूर्णमाशी तो पहली रात 2 बजे का टाइम है, किसी गुप्त शक्ति ने उठा दिता ते कवि जी उठ के बैठ गए। तो अज कन्ना विच एक आवाज़ आई कि एक कविता लिख लै, तो उस वेले कागज़ पेंसिल कढ़ी तो जिमें जिमें प्रेरणा हुई तो लिखण लगी, जो कि कविता दे बोल इस तरह सन। दिल कहिंदा है ओ नेड़े है, गुरु नानक इसे वेड़े है, कोई सही ओ पाल लियाओ नी, नाले वेखो दर्श कराओ नी, मरदाने वांग अलाओ नी, कोई होर ही टब बनाओ नी, वांग सज्जन सदवाओ नी, दिल कहिंदा है ओ नेड़े है, गुरु नानक इसे वेड़े है। असी पापी लोग अबैड़े हाँ, असी कौडे तो भी पैड़े हाँ, ताइए तो नानक आउंदा नहीं, अखियां विच डेरे लाउंदा नहीं, अक्कां नूं अंब लगाउंदा नहीं, रीठे नूं शहद बनाउंदा नहीं, दिल कहिंदा है ओह नेड़े है, गुरु नानक साडे वेड़े है। कदी 13-13 कहिंदा सैं, दुनिया नूं खूब लटांदा सैं, ओही होली फिर मचा देखां, पी साथे रंग पा देखां, दिल कहिंदा है ओह नेड़े है, गुरु नानक इसे वेड़े है। क्योंकि ये होली वाली पुनिया सी, ये कविता लिख के मन जुड़ गया, जिहड़ा मन पारे की तरह
चुस्ती चलाकी कर रहा सी, अज उस नूं शांति मिल रही है। कुछ चिर तो बाद उठ के इशनान पान कीता अते अज हुरना बनिया कि संतां दे दर्शन करन चलीए। पर फिर कहिंदा है ओ मना कि तेरे ते किसे ने जादू तां नहीं कर दिता, अज तेनूं की हो गया है। ओ मना तूं तां भुल के भी संतां दा नाम ना लवें ते अज कहिंदा है कि संतां दे दर्शन करन चलीए। ओ भलिया लोकी तेनूं की कहणगे, ये सोच के फुरना हटा दिता। कुछ समय बाद फिर मन ने कहा संतां दे दर्शन करन लोकी जांदे हन, इसलिए मना तू सैर करन दे बहाने गेड़ा मारिया। पर फिर सोचा नहीं, पहला भरा भाई रिश्तेदार मित्र साथी सारे जोर ला चुके पर मैं ना मनिया, हुण अपने आप जावां तां की इज्जत रहेगी। खबरे उत्थे गया नूं कोई पुछे कि ना पुछे, इस तरह मन नाल झगड़ा हो रहा है। हुण मन कहिंदा है बाबा जी पास जाना है, ते फिर सोचदा है नक वढ़िया जाएगा, सारे मखौल करनगे। इस तरह सोचदियां दुपहर हो गई, हुण कोई काम करन नूं भी जी नहीं करदा। तां हुण मन ने आखिया दुपहर दा टाइम है, हुण उत्थे संगत घट होवेगी, हुण गेड़ा मार आउंदे हां। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਬੈਲੀਆਂ ਵਰਗੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਲੂੰਗੀ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਸੋਚਿਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਜਲ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਈ, ਹੁਣ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਠ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਜਵਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗ ਮੁਰਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਜਵਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਬੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੈ ਮਧਸੂਦਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਅਖੇ? ਆਖਿਆ, ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਕੱਟੜ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਯੱਕ ਨਿਗਾਹ ਕਰਮ ਦੀ ਕਾਫੀ, ਵੱਲ ਅਸਾਡੇ ਪਾਲੇ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲੇ। ਐਸੀ ਹੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਅੱਜ ਕਵੀ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਰਨਾਹਟ ਛਿੜ ਗਈ।
ते फिर कविता पढ़न लगा। दिल कहिंदा है ओ नेड़े है गुरु नानक इसी वेड़े। तां फिर मन विच सोचिया जे किसी ने मैनू पुछिया कि तू तो संतां नूं टिचरां करदा सी ते हुण तू संतां नूं गुरु नानक कहण लग पिया है, तां मन ने जवाब दिता कि तू आखी गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक दी गद्दी ते विराजमान हन, इस करके मैं इस तरह कविता पढ़दा हाँ ते नाले मन चित्त ते बुद्ध नाल गल्लां करदा है। इस तरह सोचदियां ही कविता पूरी कर दित्ती। संगत सुन के बहुत खुश होई अते सरदार संपूर्ण सिंह जी दे भी मन दा भरम दूर हो गया ते खुशी दी कोई हद ना रही कि एडा वड्डा उड़ना सप बाबा जी ने काबू कर लिया है। बाबा जी ने पता नहीं कवि जी नूं की दिखाया कि वह तो पक्का सेवक बन गया। लोहा उड़ीकदा पारस की शो नूं, पारस की शो नाल की बनेगा, जो कुछ बनेगा फिर दुनिया देखेगी। की करामात हो गई लोहे दे नाल, पारस नाल शो के सोना बन गया। पहला सीरां विच विकदा सी, हुण रत्ती ते तोलियां विच विकण लग पिया। इसी तरह ही अज मधसूदन सिंह नाल होई अते फिर तां बाबा जी दे बहुत नज़दीकी सेवक बन गए अते बहुत कौतक देखे अते सुने। बाबा आनंद सिंह जी छेती किते कविता वगैरह नहीं सन सुनिया करदे, पर कुछ कु कविता जो कवि मधसूदन सिंह जी ने प्रेम विच भिज के लिखियां वो बाबा जी ने प्रवान कीतियां अते अज तक नानकसर विखे पढ़िया जांदियां हन। जिवें कि आमिल बाबा नानक जी, बेबे नानकी का प्रसंग जो हर महीने हर पूर्णमाशी तो एक दिन पहला शाम को पढ़िया जाता है। इस तो इलावा दिखा दे वास्ता अपना वो ही तस्वीर गुरु नानक, वो भी सारिया कवितावां अते होर भी समय समय अनुसार पढ़िया जांदियां हन। भाव की कि बाबा जी दियां बहुत बख्शिशां कवि जी ने हासिल कीतियां अते बहुत वड्डियां वड्डियां सेवावां बाबा जी ने कवि जी तो सुनिया अते बहुत वड्डियां वड्डियां सेवावां बाबा जी ने कवि जी तो लईयां। अते जदों हिंदुस्तान अते पाकिस्तान बनन दियां गल्लां चल रहियां सन ते इह वी सुण विच आ रहा सी कि अंग्रेज़ सिखां नूं वी अड देश देना चाहुंदे हन अते सिख लीडर जे इस वास्ते तैयार हो जाण तां, क्योंकि अंग्रेज़ देना चाहुंदे सन। अंग्रेज़ां दा मतलब सी कि महाराजा रणजीत सिंह तो असी राज लिया सी, इस लई सिखां नूं ही वापस देईए। तां बाबा जी ने कवि जी नूं आखिया कि कवि जी, मास्टर तारा सिंह तेरा यार है ते तू उस नूं जा के आख कि जे अंग्रेज़ सिखां नूं वखरा खिता देंदे हन तां लै लवो, छड्डो ना, नहीं तां फिर पछताणा पवेगा। तां कवि जी ने सत बचन कीता ते मास्टर जी नूं मिलिया ते बाबा जी दा बचन सुना दिता। तां अगों मास्टर तारा सिंह ने हस के आखिया, मधसूदन सिंह, इन्हां साधां नूं सियासत दा की पता है ते तूं भी इन्हां पढ़िया लिखिया हो के इन्हां अनपढ़ साधां दे मगर लग्या फिरदा है। मास्टर जी की यह गल सुन के कवि जी नूं बहुत दुख लग्या, पर कर की सकदा सी। सो कहण तो भाव कि बाबा जी तो अगम निगम की सोझ ही रखते सन ते आउण वाले समय नूं भी विचार के साडे भले लई ही वचन कर रहे सन। पर जिवें साहिब बाणी विच फरमाउंदे हन कि कबीर साचा सतगुरु क्या करै जो सिखा मह चूक, अंधे एक न लगई ज्यों वास बजाइया फूक। पर यह सियासी बंदे जो अपने आप नूं बहुत सियाने ते चलाक समझदे सन, पर इन्हां दी यह सियासत फेल हो गई ते 1947 तो बाद सिख कौम किन्नी उलझण विच पई हुई है, किन्ने हजारां सिखां दीआं शहीदियां ते किन्नी दुर्दशा हुई है, ये सब कुछ किस करके? जन भगतन को कहो न मानो की ओ अपनो पई है। सो बाबा जी का मतलब सी कि सिखां दा अडरा देश बन जांदा तां सिख राज स्थापित हो जांदा, पर जे हुण ये समा खुंझ गया
अते आउण वाले समय विच पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो वाहिगुरु जाने। सो गुरमुखो, अज इन्ने कु विचार करके समाप्ति करते हाँ। अगों होर जिमें जिमें सतगुरु समत बख्शणगे तो विचार करते चलेंगे। यह साखी सुन के चंगी लगे तो शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ताकि होर संगतां भी लाभ लै सकन। इस तरह दिया होर विचारां सुन लई NVI नानकसर चैनल नू सबसक्राइब करो। हुण वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।